हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको जो है सेपरेटिंग हाइपर प्लेन्स। प्लेन्स इन एसवीएम, एसवीएम के अंदर हाइपर प्लेन्स को अपन कैसे सेपरेट कर रहे हैं ये जानना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाइपर प्लेन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ये जान लो कि यार पिछली वीडियो अगर आप मेरी देख के आओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है दैट इज यूज क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी, दोनों मॉडल के लिए यूज होती है। उसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है कि हमें फाइंड करना है प्लेन को या फिर एक बाउंड्री को जो कि डेटा को दो क्लासेस के अंदर सेपरेट कर दे। ठीक है, अब कईयों ने बोला कि यार भाई ये सपोर्ट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बता दो कि ये सपोर्ट वेक्टर क्या है। एसवीएम तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्या है? तो सपोर्ट वेक्टर आर द डेटा पॉइंट्स। सपोर्ट जो वेक्टर है वो डेटा पॉइंट्स है। मैं डेटा पॉइंट्स को लाल कलर से बोल दूँ, सो ये बेसिकली डेटा पॉइंट्स है जो कि दैट आर क्लोज टू दी डिसीजन बाउंड्री, जो कि डिसीजन बाउंड्री से सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्लोज नियर टू दी डिसीजन बाउंड्री। मान लीजिए कि अपनी डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो वो डेटा पॉइंट जो कि इसके नियर है। ठीक है, दे आर द डेटा पॉइंट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। उन डेटा सेट्स को बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उनको क्लासीफाई कर पाए। अब देखो यार, यहाँ पर अगर आपके पास डेटा सेट्स हो इस जगह पर और एक इस जगह पर, तो उसको क्लासिफाई करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। अगर इस जगह पर हो जाए दो डेटा सेट्स, डेटा पॉइंट्स, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। दे होल्ड द की फॉर एसवीएम टू बी ऑप्टिमल डिसीजन इस सरफेस। द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन कम्स फ्रॉम द फंक्शन क्लास विद द लोएस्ट कैपेसिटी दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स पैरामीटर्स। ओके, सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि सपोर्ट वेक्टर क्या है। सपोर्ट वेक्टर है वो डेटा पॉइंट जो कि डिसीजन बाउंड्री के सबसे पास के पॉइंट है, जिनको क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये होल्ड करते हैं कि एसवीएम के लिए जिसको हम ऑप्टिमल जो डिसीजन सरफेस है वो बना सके, उनके लिए ये एक की है, की है हमारी एसवीएम के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही इसी के लिए हम एसवीएम की का यूज़ लेते हैं। द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन जो आता है इस फंक्शन से, कि फंक्शन क्लास से कि है ना, उस फंक्शन क्लास से आता है जहाँ पर लोवेस्ट कैपेसिटी हो, लोवेस्ट कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स हो या पैरामीटर्स हो, जो डेटा सेट्स में इनपुट पैरामीटर्स है वो मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स है, तो वो यहाँ से ऑप्टिमल हाइपर प्लेन निकल के आए इस सब के लिए। ठीक है, सो ये हो गया सपोर्ट वेक्टर। फिर सेपरेटिंग हाइपर प्लेन्स, सो मैं आपके लिए एक फोटो निकाल लेता हूँ, एक सही ये वाला। सो यहाँ पर हम सब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम वो कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं हाइपर प्लेन्स को। सो इसके अंदर आप स्कैटर देख सकते हो। इन इस स्कैटर के अंदर कैन वी फाइंड अ लाइन दैट कैन सेपरेट टू कैटेगरीज। क्या हम यहाँ पर एक लाइन ढूंढ सकते हैं जो इन दो कैटेगरीज को सेपरेट कर सके? सो सच अ लाइन इज कॉल्ड सेपरेटिंग हाइपर प्लेन। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये एक हाइपर प्लेन है जो कि सेपरेट कर रही है दो उसको। सो ये जो हाइपर प्लेन है वो असल में सेपरेट कर रही है इन पॉइंट्स को, इन क्लासेस को। सो व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाइपर प्लेन, तो इसे हम हाइपर प्लेन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल। असल में तो ये सिंगल लाइन है, लेकिन असल में टू डायमेंशनल है। अब मैं आपको फोटोज में, पिछली वीडियोस के फोटोज में भी दिखा चुका हूँ। देखो पीछे जाते हैं अपन, और पीछे जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है अपना 2D फॉर्म के अंदर। सो इट इज लाइक लाइन बट नॉट फॉर वन डायमेंशन, इट कैन बी अ पॉइंट ऑल्सो। फॉर थ्री डायमेंशन इट इज प्लेन, लाइक हियर यू कैन सी इट इज प्लेन। फॉर टू डायमेंशन इट इज लाइक लाइन। ओके, सो फॉर थ्री और मोर डायमेंशनल इट इज हाइपर प्लेन।
तीन डायमेंशनल या तीन से ज्यादा के लिए ये हाइपर प्लेन है। नाउ वी अंडरस्टैंड द हाइपर प्लेन, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमाइज हाइपर प्लेन। द आइडिया बिहाइंड दैट दिस हाइपर प्लेन शुड फार्टेस्ट फ्रॉम द हाइपर सपोर्ट वैक्टर्स, जो सपोर्ट वैक्टर्स है उनसे ये बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए, जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। ओके, दिस डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटिंग हाइपर प्लेन एंड सपोर्ट वेक्टर, इसे ही हम मार्जिन बोलते हैं। सो मार्जिन भी मैं बता देता हूँ, मार्जिन किसे बोलते हैं अपन, मार्जिन हो गया हमारा डिस्टेंस है बिटवीन जो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन हो गया, जो लाइन होगी हाइपर प्लेन की प्लेन, एंड जो ये सपोर्ट वेक्टर की जो मैंने बात की, जो पॉइंट्स है जिनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा टिपिकल है, उनके बीच की जो डिफरेंस है उसको हम मार्जिनल मार्जिन बोलते हैं। दस द बेस्ट हाइपर प्लेन विल बी दोज हाइपर दोज उस जो जिसकी जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मतलब कि जो उनकी डिस्टेंस है, जो सबसे क्लोजेस्ट जो आपका सपोर्ट वेक्टर है वो उसकी डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई तो वही, मतलब यू मान लो कि आपका बेस्ट हाइपर प्लेन है। जनरली द मार्जिन कैन बी टेकन एज 2 × P, अपन इसके ऐसे लेते हैं, जहाँ पर पी है वो हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटिंग हाइपर प्लेन एंड नियरेस्ट सपोर्ट वैक्टर। बिलो इज द मैथड टू कैलकुलेट लीनियरली सेपरेबल हाइपर प्लेन। सो हियर आई विल टेल यू, सेपरेटिंग हाइपर प्लेन कैन बी डिफाइंड बाई टू टर्म्स। एक तो हो गया इंटरसेप्ट टर्म, जिसको हम बी बोलते हैं, जिसको हम बायस भी बोलते हैं, तो ये हो गया इंटरसेप्ट, ये बायस भी हो गया, इसको ही हम बायस बोलते हैं बेसिकली, इंटरसेप्ट हो गया। और एक एंड डिसीजन हाइपर प्लेन नॉर्मल वैक्टर कॉल डब्ल्यू। सो एक हो गया डब्ल्यू, जिसको हम नॉर्मल वैक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल वैक्टर, ठीक है, डिसीजन हाइपर प्लेन नॉर्मल वैक्टर बोल देते हैं हम इसको, डिसीजन हाइपर प्लेन नॉर्मल वैक्टर, नॉर्मल वेक्टर। देर आर कॉमनली रेफर्ड टू एज वेट वेक्टर इन मशीन लर्निंग, इसको हम वेट भी बोलते हैं, ठीक है। हेयर बी इज यूज टू सेलेक्ट द हाइपर प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। हमारा कोई भी नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि बी उसके लिए यूज होता है असल में, ठीक है, कि हम उससे उसके परपेंडिकुलर एक हाइपर प्लेन ढूंढ सके, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर वो होना चाहिए। नाउ सिंस ऑल द प्लेन एक्स इन द हाइपर प्लेन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, मतलब असल में तो ये हो गया एक्स है वो इक्वल होना चाहिए बी के, मतलब इसको प्लस करें तो वो आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो माइनस बी के इक्वल आना चाहिए। नाउ कंसिडर करें हम एक ट्रेनिंग डी को, सच दैट एक ट्रेनिंग डेटा डी की जो डी है आपका वो ये है, ये वेक्टर हो गया और ये हो गया वाई आई इसका सबसेट, वेयर एक्स आई एंड वाई आई रिप्रेजेंट्स द एन डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स एंड क्लास लेबल। ये तो फीचर हो गया, इंडिपेंडेंट फीचर हो गया, और ये हो गया आउटपुट, ठीक है, क्लास लेबल ऑब्वियसली। द वैल्यू ऑफ क्लास लेबल हेयर कैन बी ओनली आइदर बी -1 और +1 फॉर टू क्लास प्रॉब्लम। द लीनियर क्लासीफायर इज देन, बाद में जो लीनियर क्लासीफायर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अगर हम ये फंक्शन देंगे तो यहाँ पर इसमें हम साइन को न्यूट्रलाइज करके WTX बार इसका भी बार प्लस बी इसको साइन को न्यूट्रलाइज करेंगे। हाउएवर द फंक्शनल मार्जिन इज बाय डेफिनेशन ऑफ अबोव इज अनकॉन्स्ट्रेंड।
तो ये जो फंक्शनल मार्जिन है, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं है. सो वी नीड टू फॉर्मलाइज द डिस्टेंस बिटवीन अ डेटा पॉइंट एक्स एंड द डिसीजन बाउंड्री. सो जो डेटा पॉइंट एक्स है और जो डिसीजन बाउंड्री है, उसके जो डिस्टेंस है उसको हमें मतलब फॉर्मलाइज करने की जरूरत है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑफ कोर्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. मान लीजिए कि ये अपना एक पॉइंट है. सो यहाँ इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी. बाकी सारी डिस्टेंस सबसे लंबी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स नहीं है, ये हाइपोटेनियस है. तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. सो दैट वी नो दैट बाय डिफॉल्ट. सो वी नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर एम, जो कि नॉर्मल वेक्टर एम से पैरेलल है. ठीक है, अगर हम बात करें, ये परपेंडिकुलर है तभी तो इसके पैरेलल है. ठीक है, सो जो इसके पैरेलल है, अ यूनिटरी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय, अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा. आपका यूनिट निकालने के लिए तो ये हो गया, उसकी डायरेक्शनल डायरेक्शन आ जाएगी यूनिट निकालने से. सो डब्ल्यू कैप इक्वल टू ये हो गया अपना. ठीक है, सो इसका मतलब है इसका अपन बेसिकली वो निकाल रहे हैं, मॉड्यूलस डब्ल्यू वन स्क्वायर स्क्वायर अप टू डब्ल्यू एन, इसका मतलब. ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस. सो इससे आप लोग को यूनिट मिल जाएगी. और वही जो एक्स है आपका, जो एक्स वेक्टर है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वेक्टर माइनस वाई आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मॉड्यूलस ऑफ दिस. ओके, रिप्लेस ये, दिस इज ट्री. ओके, सो रिप्लेस एक्स बार मतलब एक्स डैश ये जो है, बाय एक्स इन अ लीनियर क्लासिफायर इक्वेशन. सो इफ विल रिप्लेस दिस दिस एक्स डैश, सो विल गेट डब्ल्यू टी डॉट एक्स वेक्टर माइनस वाई आर ये, ओके, प्लस बी इक्वल टू जीरो. सो वो आपका, अगर जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा. ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म में, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा. नाउ सॉल्विंग फॉर आर गिव्स फॉलोइंग इक्वेशन, दैट विल बी आर इक्वल टू, ये तो इधर आ जाएंगे सारे, प्लस वाला पोर्शन हो जाएगा वाई डब्ल्यू टी एक्स बार प्लस बी और डिवाइडेड बाय, यहाँ से अपना आर आ गया. ठीक है, सो यहाँ पर जो आर है वो मार्जिन हो गया. ठीक है, जो आर है वो मार्जिन है अपना. ठीक है, नाउ सिंस जो ये है, हम मान लेते हैं वन है, द डिस्टेंस इक्वेशन फॉर अ डेटा पॉइंट टू हाइपर प्लेन फॉर ऑल आइटम्स इन द डेटा कुड बी रिटन एज, सो वो फिर बाद में किस तरीके से लिखा जाएगा कि वाई आई जितने भी डेटा पॉइंट्स के लिए है और एक्स आई जितने भी फीचर्स है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और द अबोव इक्वेशन फॉर ईच डेटा पॉइंट. अब आर आई जो हो जाएगा वाई आई सेम टी एक्स आई बार प्लस बी डिवाइडेड बाय ये. ओके, यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मार्जिन है, ज्योमेट्रिक मार्जिन को अपन रो से सिंपलाइज करते हैं, वो हो जाएगा टू अपॉन ये. ठीक है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द ज्योमेट्रिक मार्जिन सच एज, हाउ टू डू सो? सो विल यूज, ये बिलोंग कर रहा है अपना एक्स आई वाई आई से, एंड दैट बिलोंग्स टू डी, एंड वाई आई और जो वो है आपका, वो होना चाहिए एक्स आई होना चाहिए प्लस बी होना चाहिए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. मैक्सिमाइजिंग ये,
इज सेम एज मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग दी, अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हमें ये इसके ऐसे हो जाएगा कि अपन को इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब को मिनिमाइज करना पड़ेगा। दैट इज वी नीड टू फाइंड डब्ल्यू एंड बी, सो हमें डब्ल्यू और बी को फाइंड करने की जरूरत है। सो वन बाई टू डब्ल्यू टी एंड डब्ल्यू इज मिनिमम, मिनिमम फॉर ऑल एक्स आई वाई आई जो कि बिलोंग कर रहे हैं डेटा से। सो तब होगा जब ये वाला जो पोर्शन है वो वन से बड़ा हो, ठीक है। सो हेयर वी आर ऑप्टिमाइजिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीनियर कॉन्स्टेंट्स। नाउ दिस लीड्स अस टू फाइंड द सॉल्यूशन ड्यूअल प्रॉब्लम्स। सो हमारे पास में ड्यूअल प्रॉब्लम जो आ गई, एक ड्यूअल ड्यूअलिटी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर हमारे पास में। क्या है ड्यूअलिटी प्रॉब्लम? इन ऑप्टिमाइजेशन द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैन ईदर बी व्यूड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, द प्रिमल प्रॉब्लम एंड द ड्यूअल प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन टू द ड्यूअल प्रॉब्लम प्रोवाइड्स अ लोअर बाउंड टू द सॉल्यूशन टू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी टिपिकली रिटन एज इन दिस फॉर्म, कि हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज एक्स और एफ एक्स सब्जेक्टेड टू 0 i x, और जहां पर आई है वो आपका वन से लेकर पी तक जा रहा है, और वहीं एच आई एक्स जो है वो छोटा है 0 से, और ये भी वन से लेकर एम तक जा रहा है। सो वेयर एफ इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसे हमें वो करना है, एच और जी और एच हो गए यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो ये दोनों हो गए कॉन्स्टेंट फंक्शन जिनमें हम कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं। अबव प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अ टेक्निक सच एज लैग्रेंज जो मल्टीप्लायर्स है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर। मैंने अपनी वो जो सीरीज बना रखी है ना मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स की, उसके अंदर मैंने बताया है। सो लैग्रेंज मल्टीप्लायर इज अ वे ऑफ फाइंडिंग लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर द फंक्शंस विद एन इक्वलिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसको इस इक्वेशन को हम डिस्क्राइब इस तरीके से करते हैं कि हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं एक फंक्शन इसका। सो हम ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर लेके आ रहे हैं जो कि इक्वल जी ऑफ एक्स के है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको इधर ले आए। सो ये होना चाहिए माइनस, जब हम इसको इससे करें सो इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया लैग्रेंज मल्टीप्लायर। जो प्रॉब्लम आई थी ना ड्यूअलिटी वाली प्रॉब्लम, उसको हमने इससे दूर करना है। सपोज वी डिफाइन द फंक्शन सच एज दिस, कि अपना एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, एक्स वाई और लैम्डा दोनों आ रहा है, तो ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाला ही फंक्शन है, और एक इसका ग्रेडियंट है माइनस इसका ग्रेडियंट है एक्स माइनस वाई। दिस अबव फंक्शन इज नॉन एज लैग्रेडियन फंक्शन, लैग्रेजियन बोल देता हूँ उसको, लैग्रेडियन निकल रहा है यार, लैग्रेजियन फंक्शन। वी नीड टू फाइंड, नाउ वी नीड टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड दिस इज 0, दैट इज पॉइंट वेयर ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एंड जी आर पैरेलल। तो हमें ये 0 निकालना है जहाँ पर एफ एंड जी है वो दोनों ही पैरेलल है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो यार इसके अंदर कुछ इतना खास है नहीं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। कंसिडर हैविंग हैविंग 3 पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 एंड 2 0, बिलोंगिंग टू वन क्लास, ये एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, और वही 3 2 है वो दूसरी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकली वी कैन ऑब्जर्व दैट, बना लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हो गया वन, सॉरी वन और टू यहाँ पर, और ये हो गया 2 एंड 0, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, दूसरा है अपना 3 एंड 2,
थ्री यहाँ पर हो गया, टू यहाँ पर हो गया, तो ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकली वी कैन ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम मार्जिन लाइन विल बी पैरेलल टू द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू क्लासेस। सो जो मैक्सिमम लाइन जा सकती है वो कौन सी लाइन हो सकती है कि मैक्सिमम लाइन विल बी पैरेलल टू लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू क्लासेस, जो दो क्लासेस है उनसे वो लाइन कनेक्टिंग होगी। वन वन जो है आपका, एक तो वन वन हो गया, ठीक है, एंड टू थ्री गिवन अ वेट वेक्टर एज वन टू, वन वन एंड टू थ्री, मान लीजिए कि वेट वेक्टर दिए गए हैं एज ए वन टू के एज ए, ठीक है। द ऑप्टिमल डिसीजन सरफेस सेपरेटिंग हाइपरप्लेन विल इंटरसेक्ट एट 1.5 एंड 2। नाउ वी कैन कैलकुलेट बायस यूजिंग द कैलकुलेशन, यूजिंग द कंक्लूजन, व्हाट द कंक्लूजन इज, वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस बी, बी बायस हियर, सो वन एंड टू से वी गॉट दिस इक्वेशन, एंड वेयर वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वन वी गॉट 1.5, एक्स टू वी गॉट टू, एंड दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, सो जीरो इक्वल टू 1.5 प्लस 4 प्लस बी, एंड बी इक्वल टू माइनस 5.5। सो नाउ द डिसीजन सरफेस इक्वेशन बिकम्स, सो हमारी जो डिसीजन सरफेस इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस 5.5, ये हमारा हो गया। नाउ सिंस साइन जो है, क्योंकि ये जो है वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई प्लस बी ग्रेटर देन है वन, टू मिनिमाइज दी दिस वी नीड टू चेक फॉर द इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और सपोर्ट वेक्टर। सो लेट्स टेक डब्ल्यू इक्वल टू ए टू ए फॉर सम ए सच दैट ए प्लस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 4.11, ओके, और टू ए प्लस सिक्स ए प्लस बी इक्वल टू वन 4.23। सो सॉल्विंग अबोव गिवन इक्वेशन वील गेट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी ए की वैल्यू तो 2.5 और बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 11.5। सो दिस मीन्स द मार्जिनल बिकम, हमारा जो मार्जिन वो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको मिनिमम करना है। सो हमारा जो मार्जिन है ए और बी के जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके स्क्वायर करके अंडर रूट करना है इसका, तो ठीक है। सो 4/25 ये वेट्स आ गए हमारे पास है, 16/25, और ये लास्ट में आएगा मेरा ये रूट 5 2.23। सो दिस इज इट, ओके। सो यही है, इससे हमारा मैक्सिमम पॉइंट निकल के आ जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था इसका, मैथमेटिक्स वाला पार्ट, लेकिन आई थिंक अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।